ओल्ड गुड़गांव में जांच शिविर लगाए जा रहे हैं कोरोना के मरीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कुछ सोसाइटी में भी कुछ ऐसा प्रावधान सोचा गया है सरकार द्वारा? देखिए, आज हम यहाँ लेजेंड अपार्टमेंट सोसाइटी में हैं और आज एक वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत में आज RWA के नौते पर जिला प्रशासन और निगम के अधिकारी पहुँचे और साथ में सामूहिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ साथ क्योंकि कोविड से लड़ना भी आवश्यक है और उसमें लोगों की सहभागिता और भागीदारी आवश्यक है, इस वजह से जो कैंप्स हमारे ओल्ड गुड़गांव में भी लगाए गए हैं, इस तरह के कैंप्स मैंने यहाँ RWA के पदाधिकारियों से भी निवेदन किया है कि यहाँ जो भी लोग उनको आवश्यकता हो वहाँ सभी उन लोगों को कैंप्स लगवाएं ताकि इस तरह की कोविड की जांच कोई भी व्यक्ति जिसको आवश्यकता है वो ना इससे वंचित ना रहे। सर, आज आप यहाँ पौधारोपण के लिए आए तो कुछ सोसाइटी के लोगों की तरफ से आपको कुछ समस्याएं भी शेयर करी गई? देखिए, यकीनन हमारा प्रयास ये रहता है कि जब भी हम लोगों के बीच में जाएं तो उनके साथ उनकी समस्याओं को सुनें और उनकी समस्याओं को सुनकर नगर निगम के माध्यम से उनके समाधान करने का प्रयास करें। तो इस तरह से कुछ इश्यूज़ हैं, आज यहाँ RWA ने हमें अवगत कराया है, यकीनन यहाँ के एरिया काउंसलर और नगर निगम के अधिकारी मिलकर इसको समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। सर, जनता कर्फ्यू की बात दोबारा से उठ रही थी, बट CM साहब ने बोला है कि अभी जनता कर्फ्यू नहीं लगेगा बट सख्ती बरती जाएगी, तो किस तरीके की सख्ती बरती जाएगी, क्या कुछ आप बता पाएंगे? देखिए, इसमें कर्फ्यू लगाने से कई तरह की समस्याएँ भी रहती हैं, लोगों को असुविधा भी रहती है और उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि जो हमारे पहले से हिदायतें दी गई हैं उनको और सख्ताई से पालना करें, जिसमें मास्क से संबंधित चलानिंग भी काफ़ी की गई है, या हज़ारों की मात्रा में डेली जो मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति हैं उनकी चलानिंग की जा रही है। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की भी पालना हो मार्केट्स में, मॉल्स में, इसके लिए भी चलानिंग टीम्स हैं। तो यही तात्पर्य है कि जो हमारी पहले से दी हुई हिदायतें हैं उसका सख्ताई से पालना हो और आवश्यकता अगर पड़ेगी तो ही इस तरह के एडिशनल कर्फ्यू या एडिशनल लॉकडाउन के बारे में सोचा जाए। थैंक यू सर। COVID-19 का टेस्ट होता है, उसको रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन काफ़ी हॉस्पिटल उसको मानने से इनकार कर देते हैं, उस पर क्या एक्शन होगा हॉस्पिटल पर? देखिए, जो टेस्ट है, रिजल्ट है, वो तो एक कंक्लूसिव रिजल्ट है और इस तरह की अगर ना मानने वाली कोई बात है उसके लिए हेल्थ विभाग की एक कमेटी बनी हुई है, उन शिकायतों पर वो ध्यान करके उस पर कार्रवाई करें। एक्चुअली हम अपनी सोसाइटी की तरफ से, LC की तरफ से जो है, हमने कमिश्नर जी को 10,000 मास्क डोनेट किए हैं फॉर सोशल वर्क और उसी संदर्भ में हमने उनको बुलाया था और उनकी तरफ से जो भी NCC की तरफ से गुड़गांव को जो हेल्प मिल रही है या वो जो भी गाइडलाइंस हमें टाइम टू टाइम दे रहे हैं तो उसके बारे में हमें उनको थैंक्स भी करना था। समस्याएं थी जो आपने उनके सामने की, क्या आश्वासन दिया? हाँ, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और हमारी ऐसी पर्सनल कोई समस्या इतनी नहीं थी, लेकिन जो सेक्टर 56-57 के बाहर के रोड्स में जो सफाई को लेके है तो वो कुछ हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी सोसाइटी तो हम मेंटेन कर सकते हैं अपने लेवल पे, लेकिन जो बाहर का एरिया है वो हम उम्मीद करते हैं कि वो साफ वहाँ पे साफ सफाई रहे, इसलिए हमने उनको एक रिक्वेस्ट करी है, हम लोकेशन भी देंगे उनको और जहाँ जहाँ कचरा हमें दिखाई देता है वहाँ पर फोटो खींच के उनको भेजेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उस पर जल्द से जल्द वो काम करेंगे जो भी हम उनको इस तरह का रिक्वेस्ट भेजेंगे, बिकॉज जब तक सफाई में एक आम आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक शहर की सफाई बहुत मुश्किल है। COVID-19 को लेकर रिजिड सोसाइटी में क्या प्लानिंग थी, किस प्रकार अभी चल रहा है? COVID-19 के मामले में वी आर सो लकी, एक बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे सोसाइटी में 3-4 केसेस आए थे जो बाहर से ही आए थे, वेट्स की वजह से नहीं थे और वो 10-15 दिन में रिकवर हो गए थे। उसके बाद कोई स्प्रेडिंग नहीं हुई, कोई कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं हुई, सोसाइटी इज़ वेरी सेफ आफ्टर दैट। अभी हमारी सोसाइटी में 1 महीने से कोई केस नहीं है और टाइम टू टाइम हमारे जो कुलदीप जी काउंसलर हैं बहुत हेल्प करते हैं हमें, हम उनको कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं इमीडिएटली एक्ट करते हैं। NCC की तरफ से मंथली हमारे यहाँ पे सैनिटाइजेशन होता है। मेरा नाम नवीन जैन है, मैं LCA लेजेंड सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी और आज कमिश्नर साहब हमारे बीच आए थे, एक प्लांटेशन ड्राइव शुरू की थी उन्होंने और उसके साथ साथ LCA ने
एजेंसी RW ने 10,000 मास्क हमने उनको डोनेट किए हैं हरियाणा गवर्नमेंट के लिए, एंड उनको अश्योर किया अगर आगे भी ज़रूरत होगी तो वी विल कीप ऑन डोनेटिंग द मास्क एंड अदर इक्विपमेंट व्हाट इज नीडेड। कोविड-19 को लेकर सोसाइटी है किस प्रकार आप प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको जागरूक किया जाए? कोविड-19 को लेके हमारी सोसाइटी इज़ वन ऑफ द सोसाइटी इन गुड़गांव विच इज़ 0 केस जस्ट नाउ, तो हमने बहुत मेजर लिए यहाँ पे शुरू से day 1 से। हमारी सोसाइटी नंबर 1 सोसाइटी थी जिन्होंने थर्मल टेम्परेचर और सैनिटाइजिंग फॉर एवरी रेजिडेंट हमने अप्लाई किया है इसके लिए, और एक एक हमने सीनियर सिटीजन के स्पेशल केयर दी है और बच्चों को स्पेशल केयर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत हमने केयर किया है, लाइक हमने पूरे लेजेंड में कॉमन एरिया में पूरी सिक्योरिटी डिप्यूट की है ताकि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना करे और सारे के सारे मास्क पहने। सो इसके लिए बड़े जागरूक थे, उसी का नतीजा यही है कि इस टाइम हमारे यहाँ एक भी केस नहीं है। हमारे यहाँ अभी तक टोटल 6 केस आए थे, वो भी माइल्ड सिम्टम्स के केस थे और वो सारे विद इन 7-8 डेज इट वॉज फाइन। सो अभी हमें बड़ी खुशी है और इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हर टाइम पे हमारा सहयोग दिया है। जो भी हमने रिक्वायरमेंट उनको भेजी है उन्होंने प्रदान की। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।